हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो यहां पर सबसे पहले लाइफ प्रोसेस हमने स्टार्ट कर ली है, जिसमें हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में। पोषण हमारे पास दो प्रकार के आए थे, ठीक है। दो प्रकार के पोषण हमारे पास आए थे, परपोषी पोषण और स्वपोषी पोषण, जिसमें आप स्वपोषी पोषण की बात कर रहे हैं। और जब स्वपोषी पोषण की बात आती है तो आप बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस के बारे में अभी तक हमने डेफिनेशन जानी है, किसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आपने बोला फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते। इसके बाद हमने बात की थी रॉ मटेरियल क्या क्या होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। तो रॉ मटेरियल के बारे में जब हमने बात की थी तो आपके पास चार रॉ मटेरियल आए थे। नेक्स्ट हमने बात की थी कि ये जो रॉ मटेरियल है, कैसे जो प्लांट है, प्लांट कैसे इसे क्या करता है, कलेक्ट करता है, कैसे इसे प्राप्त करता है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर लीफ का स्ट्रक्चर, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। क्योंकि हमने जब बात की थी, हमने कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस के साइट कहाँ है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ पर हो रही है, पत्ती में हो रही है। अब हमने कहा पत्ती में हो रही है, तो पत्ती में कौन से रीजन में हो रही है, आपने कहा मीजोफिल सेल्स में हो रही है। यही हमने बोला था। अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो आपने बोला था ये एक क्यूटिकल की लेयर आपके पास आई थी। फिर आपने बोला कि यहाँ पर आपके पास एपिडर्मिस आया था इस प्रकार से, ठीक है। फिर आपने बोला था कि यहाँ पर आपके पास क्या आए थे, कुछ मीजोफिल सेल्स आए थे। फिर आपने बोला कि यहाँ पर आपके पास कुछ स्पॉन्जी सेल्स आई थी। फिर से आपने कहा कि आपके पास क्या आई है, लोअर एपिडर्मिस आई है और ये आपके पास क्या है, क्यूटिकल है। यही स्ट्रक्चर देखा था जब आप लीफ की बात कर रहे थे, पत्ती की संरचना के बारे में बात कर रहे थे। क्या है, क्यूटिकल है, अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, मेसोफिल सेल है, स्पॉन्जी सेल है, लोअर एपिडर्मिस है और ये फिर से आपके पास क्यूटिकल आ गई है। सबके फंक्शन क्या थे, जो क्यूटिकल है ये वाटर लॉस को रोक रही थी, पानी की हानि को रोक रही थी। अपर एपिडर्मिस भी आपका क्या है, पानी की हानि को रोक रहा था। मेसोफिल सेल जो आपके पास आती है, ये वाली जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही होंगी, ये जो मेसोफिल सेल है यही बार फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। कुछ स्पॉन्जी सेल्स होती है, उनमें भी कुछ मात्रा में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो भी क्या करते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है और क्यूटिकल की लेयर आती है। इतनी बात क्लियर है आप सबको। अब थोड़ा सा बात करें, अगर मीजोफिल, अगर मैं इसी मीजोफिल सेल्स को अगर मैं बनाऊं, ये मीजोफिल सेल्स आपके पास आती है, ठीक है। इसी मीजोफिल सेल्स को जब हमने बड़ा करके देखा तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, आपने बोला इसमें कुछ इस प्रकार से बंडल्स दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अब आपके पास दो रीजंस आए हैं, ठीक है। एक तो आपको ये कुछ प्लेट नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रही है, प्लेट नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। इस प्लेट नुमा संरचना को अगर हम एक प्लेट की बात करें, तो इसे कहते हैं थैलाकॉइड। क्या कहते हैं इसे, थैलाकॉइड, ठीक है। और अगर हम इस पूरे बंडल की बात करें, हमने कहा इस पूरे बंडल की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं ग्रैनम। इतनी बात क्लियर है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपको थैलाकॉइड दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो थैलाकॉइड, ठीक है, ये हैं थैलाकॉइड। और ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने क्या किया है, ब्लू आपको येलो कलर से दिखाया है, ये है आपका स्ट्रोमा। ये कौन सा वाला पोर्शन है, स्ट्रोमा वाला पोर्शन है, ठीक है। अब आपके फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो दो पार्ट में होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जिसे आप कहते हैं, ठीक है। आपकी जो लाइट रिएक्शन होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, डार्क रिएक्शन के लिए वहां पर लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। दो पार्ट में आपकी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये जो आपको थैलाकॉइड दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं थैलाकॉइड में आपके होते हैं क्लोरोफिल, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देयर इज क्लोरोफिल
यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्लोरोफिल ए आता है और क्लोरोफिल बी आता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या है, जेंथोफिल्स आते हैं और कैरेटिनॉइड्स आते हैं। तो हमने बोला कि क्लोरोफिल ए का कलर क्या होगा, आपने कहा ग्रीन होगा। अगर हम कहें बी का क्या होगा, तो बी के कुछ और कलर्स आते हैं, जैसे जेंथोफिल आपके पास आता है, जेंथोफिल के क्या कलर होते हैं, आपने कहा येलो ऑरेंज होते हैं। कैरोटिनॉइड्स के क्या कलर होते हैं, आपने कहा येलो ऑरेंज होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास जेंथोफिल्स आते हैं और इनके अलग अलग क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। तो आपने कहा कि जो आपके पास प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड समझते हैं हम लोग, प्लास्टिड में क्या होते हैं, यहाँ पर पिगमेंट पाए जाते हैं। प्लास्टिक के अंदर अलग अलग पिगमेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, ये सारे क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर क्लोरोफिल की। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर होता है, जैसे कि आपने कहा कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर CH3 ग्रुप होता है और यहाँ पर CHO ग्रुप होता है, ठीक है। अब इतनी डिटेल्स में आपको नहीं जाना है, लेकिन फिर भी अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी होता है। अब हमने बोला कि यहाँ पर ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होगी। अब होता क्या है, जो आपका क्लोरोफिल होता है वो क्या करेगा, यहाँ पर एनर्जी को गेन करेगा, जो सूर्य का प्रकाश है उसे अब्सॉर्ब करता है, और जब सूर्य का प्रकाश अब्सॉर्ब करेगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होते हैं तो एनर्जी को पास करते रहते हैं, और क्या करेंगे, एनर्जी को पास करके ये एक चैनल बना देते हैं वहाँ, ठीक है। उसी चैनल के द्वारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है कंप्लीट होती है। पहले हम यहाँ पर बेसिक चीजें जान लेते हैं, जो बेसिक चीजें आपके पास आती है, उसके बाद हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास मेन इवेंट क्या क्या आते हैं, अगर हम देखें कि मेन इवेंट क्या क्या आपके पास आएंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, तो सबसे पहले आपने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरा आपने क्या बोला, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें हम कोशिश करेंगे, आपके पास जैसे जो पोर्शन आता है वो इतना ही आता है, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा और अदर डिटेल में हम इसे पढ़ें। सबसे पहले बेसिक से चीजें एक बार जान लेते हैं। तो आपने बोला सबसे पहले तो जो लाइट एनर्जी होगी वो किसके द्वारा अब्सॉर्ब होती है, क्लोरोफिल के द्वारा अब्सॉर्ब होती है। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो क्लोरोफिल होता है वो फिक्स वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करता है। अगर आपसे पूछा जाए, आपने देखा होगा जो सनलाइट होती है वो कितने कलर में डिवाइड होती है, 7 कलर में होती है, ठीक है, जिसे विब्योर के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। विब्योर के नाम से जब आप जानते हैं, तो हमने बोला कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की लाइट में होती है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार की लाइट में होती है, तो आपने कहा ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जो ब्लू लाइट आपके पास आती है, जो ब्लू लाइट आपके पास आती है उसमें सबसे अधिक क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो यही आपको कहा गया कि जो आपके पास क्लोरोफिल आते हैं वो क्या करते हैं, फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो हमने क्या बोला, हमने कहा ये लाइट फिर एनर्जी को पास कराते हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो ये क्या करते हैं, फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद एनर्जी को पास करते जाते हैं, ठीक है। जब पास करते जाते हैं तो चैनल बनाते हैं, और जैसे जैसे ये क्या करेंगे, लाइट को पास करते चले जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर क्या बनती रहेगी, आपने कहा यहाँ पर ATP बनती रहेगी। क्लियर है इतनी बात, तो हमने पहला पॉइंट आपको क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, प्लस क्या हुआ, स्प्लिट हुआ यहाँ पर, स्प्लिटिंग ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपने कहा कि जो यहाँ पर आपका क्या था, पानी था, पानी चाहिए था हमें, रॉ मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए था, एक बार रॉ मटेरियल अगर मैं लिखूं तो हमने कहा H2O है, CO2 है, क्लोरोफिल है, और सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब आपको यहाँ पर क्या देखा, आपने हमने बोला कि जो आपका H2O है वो किसमें, H2 एंड ऑक्सीजन में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, किसमें स्प्लिट हुआ है, आपने बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया है, ये टूट गया है। अब जो ऑक्सीजन आपको मिली, जो ऑक्सीजन आपको मिलती है वो कहाँ से मिलती है,
जो ऑक्सीजन रिलीज हुई, अब आपको आपका आंसर मिल गया है कि हम क्या बात करते हैं कि जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो हमने बोला यहाँ पर एक तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और दूसरा क्या बनती है यहाँ पे, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से निकली इतनी बात आप समझ गए होंगे। ऑक्सीजन जो आपका पानी होता है, पानी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और वो जो ऑक्सीजन बनती है वो रिलीज हो जाती है। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या बनाते हैं, आगे चल के हाइड्रोजन वहां पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बोला, रिडक्शन ऑफ सीओ टू टू कार्बोहाइड्रेट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। और जब आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते तो आपने बोला कौन सा कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बना है, हमने बोला यहाँ पर बना ग्लूकोज। और ग्लूकोज को आप कैसे लिखते हैं, C6H12O6। अब यहाँ पर आपको क्या मिला, आपने बोला आपने लिया क्या क्या था, CO2 लिया था प्लस H2O लिया था, यहाँ पर सनलाइट थी और क्लोरोफिल था। ठीक है, ये चीजें आपने ली थी। आपने क्या बोला, आपको कार्बन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 6 कार्बन आपको चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन आपको 12 चाहिए और ऑक्सीजन यहाँ पर 6 होती है। ठीक है, ये सब मिलकर के क्या बना रही, कार्बोहाइड्रेट बना रही। तो आपने कहा कि जो रिडक्शन हो गया, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, जब हमने बात की थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, किसकी, फोटोसिंथेसिस के क्या कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, हमने बोला एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब होता है यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। दो प्रकार की प्रोसेस हमने देखी है, कौन सी, एक जो रिएक्शन आपकी होती है ए प्लस बी सी, एक तो ये होती है, और एक आपने बोला होगा जो सी है वो क्या होता है, ए प्लस बी में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, दो प्रकार की प्रोसेस होती है। हमने बोला ए प्लस बी, यहाँ पर प्रोडक्ट आपका बना और यहाँ पर जो प्रोडक्ट था वो आपका क्या हुआ, टूटा, दो पार्ट्स में क्या हुआ, टूटा, सेपरेट हुआ। तो सबसे पहले हमने बोला फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस आपके पास आती है वो कैसी है, एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक का मतलब होता है कि प्रोडक्ट बना। दूसरा हमने बोला एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, दो शब्द आपने पढ़ेंगे जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं। ये प्रोसेस कैसे होगी, एंडोथर्मिक है, इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रही है, एनर्जी को गेन कर रही है। सनलाइट को क्या हुआ, सनलाइट को यहाँ पर गेन किया गया, सनलाइट को क्या किया गया, यहाँ पर एब्जॉर्ब किया गया, तो यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये पॉइंट आता है कि ये कैसी प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन का मतलब समझते हैं आप लोग, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का डिटैच होना या हाइड्रोजन का ऐड होना। ऐसे ही आपने क्या बोला, आपने कहा ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन से जस्ट अपोजिट होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, जिसे कि आप इस प्रकार से दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन को आप ऐसे दिखाते हैं, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का यहाँ से रिमूव होना। ठीक है, क्लियर है बात। तो रिडक्शन इसके जस्ट अपोजिट कहते हुए, रिडक्शन का मतलब होता है या तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन डिटैच हो रही है, या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। आपने कहा यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ। ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस होती है। कुछ शब्द आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपने बात की है, सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल विच लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल। अब आपने बोला जो सनलाइट था वो सनलाइट को क्या किया गया, सनलाइट ने क्लोरोफिल को एक्टिवेट किया, जो कि क्या करता है, वाटर को यहाँ पर तोड़ने में मदद करता है। अगली लाइन में क्या आपने पढ़ा, द हाइड्रोजन रिलीज बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से पढ़िए। देखिए, आपने बोला जो हाइड्रोजन था, द हाइड्रोजन रिलीज बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो हाइड्रोजन हमारे पास आया, कैसे आया हमारे पास, जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर टूटे, इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। जो हाइड्रोजन आपके पास आए, अब वो उनका फंक्शन क्या है, यहाँ पर आपने बोला कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करना। रिडक्शन का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन का क्या मतलब है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या क्या है, वो अटैच हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, C6H12O6 बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमारे पास दो शब्द आते हैं, मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट हमारे पास आता है ग्लूकोज और बाय प्रोडक्ट आपके पास आएगा ऑक्सीजन, जिसे कि सेल से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमने बोला कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च एंड इज स्टोर इन लीव्स एंड अदर स्टोरेज पार्ट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट किया जाता है और कहाँ स्टोर होगा, लीव्स में होगा और अदर स्टोरेज पार्ट में क्या होता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ, अगली लाइन में आपको क्या बोला गया है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर पानी का टूटना क्या लाइट रिएक्शन का पार्ट होता है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सी चीजें डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आप आगे चीजें समझ सके। क्या होता है कि यहाँ पर जो आपके लाइट रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, एटीपी यहाँ पर बनती है। जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन में एटीपी वहां पर क्या होती है, एटीपी का यूज किया जाता है और एटीपी का यूज किया जाता है तो वहां पर एक साइकिल चलती है जिसे आप कैल्विन साइकिल कहते हैं या सी साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये साइकिल जो चलेगी वो 6 टाइम चलती है। 6 टाइम क्यों चलती है, क्योंकि कार्बन हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है, एक साइकिल में आपका एक कार्बन क्या होगा, वहां पर ऐड होता है। इसी प्रकार से 6 बार जो साइकिल चलेगी, आपके 6 कार्बन ऐड होंगे, तब जाकर आपका ग्लूकोज वहां पर बनता है। क्लियर है इसी बात? तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसे एक बार देख लीजिए। क्या क्या बोला आपने, कहा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण सबसे पहले किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है और पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। अब सेकेंड स्टेप होता है कि CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचेंज किया जाता है। सूरज की रोशनी क्लोरोफिल को सक्रिय करती है जिसमें पानी के जो अणु है वो टूट जाते हैं। पानी के अणु टूटने से निकलने वाले हाइड्रोजन का उपयोग कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कम या रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस ठीक है, रिडक्शन किया जाता है वहां पर। यहाँ पर सही जो शब्द आएगा वो आएगा रिडक्शन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का क्या है, उप उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और पत्ती और अन्य भंडारण भागों में जमा हो जाता है। पानी के अणुओं का टूटना प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है आप लोग इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये तो हमने बात की प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे कुछ मुख्य घटनाएं कैसी होती हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर आपने प्रोसेस अच्छे से समझी है, कुछ पॉइंट्स अच्छे से समझे, तो ये वाला डायग्राम आप बना लेंगे। ठीक है, ये आप बताएंगे कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर रूट्स क्या कर रहे हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपने कहा CO2 क्या है, जो लीफ का स्टोमेटा है, लीफ के जो रंग है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सनलाइट, यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्लोरोफिल ऑलरेडी है प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब स्टोमेटा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा था और उसके बारे में पढ़ा भी था। एक बार फिर से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो ऐसे ही कुछ बनता है। ठीक है, ये जो आपका स्टोमेटा है, यह है क्लोज और ये वाला जो स्टोमेटा है वो है ओपन। ठीक है, पढ़ ले आप स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा आर पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि स्टोमेटा पत्तियों पर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, यानी कि ये ज्यादातर क्या होते हैं, पत्ती के नीचे की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, इस स्टोमा इज गार्डेड बाय अ गार्ड सेल्स विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स, यानी कि प्रत्येक जो रंध्र है वो गार्ड सेल की कोशिकाओं द्वारा संरक्षित किए जाते हैं जो छिद्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं। द वॉटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन, यानी कि गार्ड कोशिकाओं की जल सामग्री उनके कार्य के लिए जिम्मेदार होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी आपको याद होगा, हमने बोला था ये आपकी क्या है, दोनों गार्ड सेल्स है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर येलो कलर में दिखाई दे रही हैं, ये आपकी क्या है, गार्ड सेल्स हैं आपकी, यानी कि रंध्र की, स्टोमेटा की। ठीक है, अब ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, आपने बोला ये कि स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। कैसे ओपन और क्लोज हुई, आपने बोला यहाँ पर अगर वाटर मॉलिक्यूल, अगर क्या है, यहाँ पर आपने बोला पानी ने जब एंटर किया
तो यहाँ पर जो गार्ड सेल्स है उनकी दीवारों पर एक फोर्स लगा, जो कि इस प्रकार से जो गार्ड सेल्स है वो खींच जाते हैं, और आपको दिख रहा है कि जो बीच वाला पोर्शन है स्टोमेटा वाला वो क्या हो गया है, ओपन हो गया है। क्लोज कैसे होगा? सिंपल सी बात है, आपने कहा जो पानी है वो गार्ड सेल्स से बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा तो गार्ड सेल्स अपनी एक्चुअल स्थिति में वापस आ जाता है। इतनी बात क्लियर है? ये चीजें हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए तो अगला टॉपिक देखें अपना। यहाँ पर आपको क्या बता रखी है, जो फोटोसिंथेसिस है उसकी आपको पूरी प्रोसेस बता रखी है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, ये तो आपकी है फोटोसिंथेसिस को जब आप पढ़ते हैं तो आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं, जैसे कि कुछ कुछ चीजें आप छोटे से पढ़ते चले आते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो पत्ती में होती है, पत्ती में जब होती है तो क्या क्या उसके लिए कच्ची सामग्री चाहिए होती है, और क्या क्या जो कच्ची सामग्री है वो कैसे जो प्लांट है, प्लांट की जो लीव है उसमें एकत्रित होती है। तो अगर हम कहें कि अभी तक आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो क्या है, जनरल सी चीजें हैं, इसके बाद हम जो फोटोसिंथेसिस है उसे थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना इनफ है आपके पास, अगर फोटोसिंथेसिस आता है तो आप ये सारी चीजें बता देंगे। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपके मेन इवेंट्स जो आते हैं, ये वाले जो है मुख्य घटनाएं जो होती है, मेन इवेंट्स क्या हो रहे हैं। अगर क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल का कार्य क्या है, क्लोरोफिल क्या कर रहा था, ठीक है। अगर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य के प्रकाश के क्या कार्य यहाँ पर थे, अगर यहाँ पर जल है तो जल के क्या कार्य थे, ऑक्सीजन निकली तो कहाँ से निकली, हाइड्रोजन जो है उसका क्या फंक्शन था, और आपने कहा कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना, ठीक है, यानी कि यहाँ पे उत्पाद मुख्य उत्पाद मेन प्रोडक्ट क्या बना और बाय प्रोडक्ट क्या बना था, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ आपने करना क्या है, वहां पर जो इमेज है इमेज को भी बनाना है, जो फोटो है वहां पर जो आपकी क्या आती है प्लांट की जो इमेज आती है, जो चित्र आता है वो भी आप लोग बनाएंगे और दर्शाएंगे फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में जानेंगे। इतना हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रही है, अपने कहा थैलाकोइड में हो रही है। अब देखिए थैलाकोइड, अब एक और स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया था जिसे आप क्या कहते हैं, स्ट्रोमल लैमिली कहते हैं। ये जो स्ट्रोमल लैमिली है ये क्या होती है, ठीक है, ये जो स्ट्रोमा है स्ट्रोमा में क्या होता है, या फिर ये जो थैलाकोइड्स आपके पास आए हैं थैलाकोइड्स में क्या होता है, इसमें आपके पास फोटो सिस्टम भी आते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर दो फोटो सिस्टम आएंगे, फोटो सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको करना क्या है, बेसिक सी चीजें पढ़ करके आनी है, उसके आगे का हम यहाँ पर कुछ करेंगे। बेसिक सी चीजें आप पढ़ कर आएंगे तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि आप देखेंगे कि जो पिगमेंट्स होते हैं, जैसे अभी हमने एक सेंटेंस कहा था, हमने कहा था कि जो क्लोरोफिल है वो फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी वो वेवलेंथ होती है जिसकी लाइट को जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का क्या काम होता है। जैसे हमने अलग अलग पिगमेंट के नाम बताए, हमने कहा सिर्फ एक पिगमेंट नहीं होगा, सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता है बल्कि क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, यहाँ पर ज़ैंथोफिल्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर अदर पिगमेंट का क्या फंक्शन होगा। अभी तक आप बात करते चले आ रहे हैं सिर्फ क्लोरोफिल के बारे में, अब हम बात करेंगे क्लोरोफिल के भी दो प्रकार हमने पढ़े हैं, ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स आपके पास आते हैं, तो इनके क्या फंक्शन होते हैं, कैसे ये फंक्शनिंग करते हैं। हमने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस है वो दो पार्ट में पूरी होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको लाइट रिएक्शन को पढ़ना है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी यानी कि ऊर्जा वहां पर बनी है। जो आपके डार्क रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन में आपका मेन प्रोडक्ट निकल करके आता है, तो ये सारी चीजें हम समझेंगे डिटेल में, ठीक है। उससे पहले हमने करना है क्या, जो बेसिक सी चीजें हैं वो आपको पढ़ करके लेके आनी है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।